देखिए। বিজেপি এখানে ডিজে বাজাচ্ছে আর পুলিশের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। পুলিশ নিয়ে এসে যদি তারপর এই অবস্থা হয়, লজ্জা লাগা দরকার এই গণতন্ত্রের অবস্থা যে পুলিশ স্টেশনে সেরকম ভাবে মুখে পেটে দিয়ে মাথায় হেলমেট পরে খাটারি নিয়ে মারছে। আমরা কোন কাউন্টার স্লোগান দিচ্ছি না, আপনারা আগে ওটা ক্লিয়ার করুন। তারপর আপনারা কিন্তু এসে আমাদের সঙ্গে ঢুকে তুলে আনুক, নইলে এই পুলিশ কর্তাদের সুপ্রিম কোর্ট অব্দি নিয়ে যাবো। हमारा यूथ लीडर सायानी घोष को सुबह होटल में जाकर पुलिस ने बोला यहाँ पर आने के लिए, हम लोग बोला नोटिस किधर है, बोला नोटिस नहीं है, फिर भी वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हमने कम्प्लाई किया, यहाँ पर सायानी घोष को हम लोग ले आया। फिर बीजेपी गुंड जो गुंडा लोग है, गुंडा राज है, वो थाना घेर लिया और थाना का अंदर में घुसकर फिल्मी कायदा से वो थाना को अटैक कर दिया। हमारा बहुत सारे कार्यकर्ता वो वुंडेड है, उसका हाथ में लाठी रॉड वो स्टोन्स वगैरह थे वो अंदर। ये वीमेन पुलिस स्टेशन है, हमारा लीडर सायानी घोष को हम लोग इधर लाए थे और वो घुस इन अंदर घुस कर थाना अटैक किया। हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को जो लीडर्स है सपोर्टर्स है उनका ऊपर पूरी तरह से पीटा, मिनिमम 7 दे हैव बीन ब्रूटली अटैक। और अभी पुलिस फोर्स वो ट्राई कर रहा है वो जो बीजेपी गुंड है उनको हटाने के लिए, लेकिन उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए। ये क्या डेमोक्रेसी है? ये पुलिस हमको बुलाया, पुलिस सायानी को बुलाया, सायानी नोटिस कम्प्लाई करने के लिए यहाँ पर आई थी। ये ऐसा नहीं है हम लोग खुद कोई डेपुटेशन लेके यहाँ पर आया था, पुलिस ने बोला था। तो बीजेपी का कैसे पता चला आज सुबह इसी टाइम सायानी और तृणमूल लीडर्स इधर पर होंगे? कोई तो थोड़ा बहुत यहाँ से लीक कर रहा है, ये तो ट्रैप है, क्लियर ये तो ट्रैप है। लेकिन वी आर थैंकफुल टू सम पुलिस ऑफिसर्स, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस